अच्छा एक जगह रुके थे, यहाँ ना ग्लेशियर नीचे आया हुआ है, मैं ऊपर लेके जाता हूँ आपको, वो भी ग्लेशियर दिखाता हूँ जो ऊपर से नीचे गिरा हुआ है, और वो ऊपर से गिर के नीचे आया हुआ और इधर से पिघल रहा है, और ये पानी जो है निकल रहा है इस तरफ, ये टूरिस्ट है वो आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए। ये देखें इन्होंने चार पहिया रखी हुई है होटल वालों ने, जो इधर लोग आते हैं उनको ये देते हैं ताकि वो एंजॉय कर सकें। पानी बहुत ठंडा है और बहुत अमेजिंग ये है। अगर ऊपर चलें तो आपको मैं वो दिखाता हूँ ताकि बर्फबारी जो हुई है। अच्छा जी ऊपर जा रहे हैं, देखें जी हाय पाँव में पानी, वो शूजों में पड़ गया। अभी ये देखें ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं लोग, चेक करें ग्लेशियर की बर्फ जो है वो निकाल रही है, ये वो बर्फ, मतलब आप देखें ये बर्फ निकाल रहे हैं, ये पूरा जो बर्फ ही बर्फ है। इधर से मैं हाथ के साथ निकालता हूँ, ये चेक करें बर्फ, मतलब ये गंदी नहीं है भाई, ये पानी उसी का ही आ रहा है, ये चेक करें, मतलब ये पिघलती है आगे जो है और वो जाती है, बहुत जबरदस्त है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लोग आ रहे हैं, और ये देखें ये साफ है, ऊपर से आते हैं और यहाँ ये देखें ये इन्होंने चारपाई बिछाई और वो खूब एंजॉय कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं इसके वाले से। यहाँ से ये टूटा हुआ है, ये चेक करें, यहाँ से टूट के आगे जा रहे हैं, लेकिन आगे नहीं जाना चाहिए, जहाँ से पानी निकलता वो उसके ऊपर नहीं खड़े होना चाहिए क्योंकि वो किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है। एक जगह से गुजर रहे थे और उधर मैंने देखा कि ग्लेशियर ऊपर से नीचे आया हुआ है और पिघल रहा है, और बड़ी ठंडी उसके अंदर से हवा निकल रही है। ये चेक करें ये ग्लेशियर है, और ये देखें ये पानी जो निकल रहा है यहाँ से, मतलब इस तरफ जाएं अगर देखें तो मतलब काफी खतरनाक है, इसके ऊपर जाना फजूल है, ये बर्फ है ये, मतलब ना आप चेक करें ये काफी कमजोर हो जाती है, इसके ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि आगे जाएंगे तो वो जो बर्फ है वो पिघल के ये नीचे गिर जाएगी। बहुत अच्छा व्यू है, लोगों ने वो चारपाइयां रखी हुई है, होटलें की हुई है, ये देखें ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये कगान जाते हुए और नरान जाते हुए, ये नरान की तरफ है बेसिकली, कगान हम पीछे छोड़ आए थे, ये नरान की तरफ है और इस तरफ हमने जाना है, वो सामने जो है नरान, और इसके सामने जो बिल्कुल वो दरिया है, और ये जो सारी वो ग्लेशियर है, यार बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है और इसका इंजॉय कर रहे हैं, ताकि ये जो पहाड़ी के ऊपर से आया हुआ है, मतलब ये देखें पिघल रहा है, अब इसके ऊपर पांव रखें, ये देखें ये चेक करें, ये देखें, मतलब ये ग्लेशियर की ठंडी बर्फ है, गंदा हुआ है, चेक करें बहुत जबरदस्त यार, ये देखें ये भाई जो है इसको देख के मेरा ख्याल पागल हो रहे हैं, वेरी ब्यूटीफुल कह रहे हैं, सो अमेजिंग, आगे नहीं जाना यार, आगे ना ये नीचे गिर जाएगा यहाँ से, हाँ नीचे से खाली है ना, ये देखें आगे ना जाना, नीचे से खाली है भाई, आगे वो गिर जाएंगे, ये ना कहना इसके नीचे से भी खाली है, ये देखें गाड़ियाँ आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं बहुत सारे, ये वो ग्लेशियर का पानी है जो उधर से आता है, लोग पानी भी भरते हैं, यही पानी पीते भी हैं, और ये ऊपर से आया होता है, ये चेक करें बादल आ गए हैं, सूरज जो है और वो छुप रहा है, और ये पहाड़ चेक करें, बहुत ही खुदा की कुदरत है, अमेजिंग यार, बहुत अच्छा सीन है, सोचा कि आपको ये दिखाऊं कि ये कितना ज़बरदस्त है। मैं लास्ट जब आया था तब तो मतलब इतनी बर्फबारी या इतने वो सीन नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है बहुत ज़बरदस्त
यहाँ से अगर इस तरफ आए, ये देखें लोग उसी में से चलते हुए उस पानी में से आ रहे हैं जो ऊपर से मतलब ग्लेशियर का पानी पिघलते हुए नीचे आ रहा है। ये सारे टूरिस्ट हैं जो इधर आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। गर्मियों में जाहिर है लोग जो इस इधर का रुख करते हैं ताकि वो लोग वो गर्मी से बच सकें जो उधर आपको फील होती है। और ये काफ़ी मतलब अगर जाएं तो काफ़ी गंगा है। जब इसके ऊपर बर्फबारी होती है तो ये जाहिर है पिघल के नीचे आता है और इस तरफ ये नीचे आया हुआ है और अभी ये पिघल रहा है। ठंडा पानी जो है वो इस तरफ जा रहा है दरिया में आगे और दरिया आगे डैम में। तो बहुत जो मज़ा आता है अगर आए नरान की तरफ तो ये पॉइंट आप लाजमी इंजॉय करें और ये बहुत अच्छा पॉइंट है अगर देखने वाला हो। मतलब अगर इस तरफ हम आगे जाएं तो हमें ये देखें मतलब आगे जाके तो ये दिखा सकते हैं हम इधर से पानी आगे जाते हुए। ये ओ पानी की स्पीड चेक करें, बहुत स्पीड है। ये देखें यहाँ से ये नीचे जा रहा है, इतनी स्पीड से पानी है। और वो चारपाइयाँ रख के लोग खा रहे, मैं भी इंजॉय करूँगा। लेकिन कोशिश ये थी कि मैं आपको ये दिखा सकूँ। ये देखें यहाँ से भी पानी जो है वो ग्लेशियर पिघल के इस तरफ आ रहा है और ये वाला पानी इसमें शामिल हो रहा है। और लोगों ने वो खेत लगाए हुए हैं, अगर देखें तो वो उसमें खेत लगाए हुए हैं। वो फिश फार्म है शायद वो बनाया हुआ है वो सामने। अगर देखें तो यार बहुत ज़बरदस्त है ये। इसका नाम मैं नहीं जानता हूँ अब, ये इसका नाम पता नहीं क्या है। ऊपर दरख्त लगे हुए हैं सारे और वो अमेजिंग यार। अगर आपने इधर आना हुआ ना तो लाजमी इस जगह रुकें, इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ और फैमिली के साथ इंजॉय करें। अच्छा जी, कुदरत चेक करें। इन्होंने ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है। इन्होंने ये देखें यहाँ वो खेत बनाए हुए हैं, वो अभी किसान जो है वो काम करें। ये वो वाले खेत लगे हुए हैं जो यहाँ सब्जियाँ वगैरह, यहाँ जो मतलब फल वगैरह उगाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। और पानी वो वाला ही ग्लेशियर का लगता है। यहाँ ऐसे ही ऊपर भी पहाड़ के ऊपर जाते जाएँ ऐसे ही सेम जो वो लगती है चीज़ें वगैरह, यहाँ खेत वगैरह उन्होंने लगाए होते और ऊपर घर वगैरह बनाए होते। बादल आए हुए हैं, मेरे शूज़ वो भीग गए यार। मुझे बड़ा ही इंजॉय करने का मज़ा आ रहा। मैं वो ऊपर गया हूँ और मुझे लगा कि यार वो गिर ना जाए क्योंकि बर्फ़ है ना तो वो जाहिर है पिघलती है, पिघलने के बाद वो गिर सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब बात करें वो वाला। ये देखें वाओ सो अमेजिंग, मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान मतलब कितना खूबसूरत है पाकिस्तान। वो लोग जो बाहर जाते हैं उनको मैं ये कहूँगा कि ये बेहतर है, यहाँ आए किस जगह आए, नहीं आना तो बदोबदी आ जाओ। जिदा चाहपति अली खान बदोबदी से ना बदोबदी बदोबदी उदा ही बदोबदी तुम भी मतलब इधर आ जाए। अच्छा जी, लोग ना इस बर्फ के साथ ही खेल रहे हैं। ये नारू साहब मौजूद है, नारू साहब बताइएगा वो भी इंजॉय हो रहा है। मैं कहता हूँ काश भाई कम अवे 17 से 18 घंटे का हमने सफर किया है और मौसम तब्दील होता है लेकिन जो मौसम हमने आगे से खेला है और ऐसी कोई फ्रीजर ऐसा लग रहा है जैसे कोई डीप फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया गया है और हम उसके सामने करें ठंडी फिजा हमसे टकरा रही है और मिट्टी की जो सुंदी महक है वो मैं कहता हूँ कमाल है, अमेजिंग है। आप ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम जन्नत में आ गए हैं। मुझे लग रहा है हमने खुशी से फट जाना है, लग रहा है मुझे भी यार। वेदर इतना हटके है जैसे हमारा दिसंबर में, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। लेकिन विकास भाई मुझे मुझे बात करने दे प्लीज। अभी आपने अगर मुझे पकड़ लिया और हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और इंतहा जो मुनफरिद अंदाज में उनसे पूछे ना, उमर हमारे साथ मौजूद है। उमर भाई
बड़े नजारे देखे हैं, यहाँ पर आकर क्या महसूस कर रहे हैं? फैंटास्टिक, ऑसम मौसम है। आप यकीन करें, पंजाब में जब हम थे फैसलाबाद में, यही लग रहा था कि हम तंदूर में बैठे हुए, जुलाई की गर्मी थी और पिछले जो 12-13 घंटे का सफर है वहाँ पे हम तो सोच रहे थे शायद फैसलाबाद की गर्मी हमारे पीछे पहुँच चुकी है, लेकिन अब जब हम यहाँ पे पहुँचे तो आप यकीन करें तमाम फीलिंग्स जो हैं वो चेंज हो चुकी है। 17 से धारा घंटे का सफर किया है। जो कुदरत है वो अपने कुदरत का करिश्मा अपने अरूज पे, आप देखें गर्मी के मौसम में, जुलाई के मौसम में हम बर्फ पे खड़े हैं, यहाँ बैठे दोस्त एंजॉय करें, इनसे भी पूछते हैं यहाँ पर तो मोदी से वाले लोन हुआ पड़ा है। ओ भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे एंजॉय कर रहे हैं भाई? ये अल्लाह के शुक्र बकास आप सुनाएंगे, मैं और मेरा दोस्त साथ है, ये जाकर मुझे जैकेट दे दो प्लीज, मुझे जैकेट दे दो, मैं और राजू जहाँ भी जाए बर्फ गिर जाती है। ये तो फैसलाबाद में गया, एक बंदा साइकिल पे लेके जा रहा था, 50 रुपए वाली वाली। यहाँ कैसा लगा आपको आके, इतनी गर्मी में से आए और अभी बर्फ? मेरा ये फैसलाबाद के लोग सारी तरह शिफ्ट हो जाए प्लीज, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मेरे खान साहब दोस्त को बहुत ठंड लग रही है, यहाँ पे कैमरा मारे इसको बड़ी ठंड लग रही है, ये भी बड़े मतलब इंजॉय कर रहे हैं आप, ये शाहिद भाई है, ये आप समझ रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं, आपने कुछ मंगाया खाने के लिए? खाली खाली है, हमने ट्राउट मछली खा ली है भाई, ट्राउट यहाँ से ही मिलती है, बाहर से कहीं। ये देखें ये सारी बर्फ यहाँ से पानी निकल के उस तरफ जा रहा है, और अब्दुल रहमान भाई मौजूद है। अब्दुल रहमान भाई बताइएगा कैसा फील हो रहा है बर्फ में बैठे हुए हैं? मैं और मेरा दोस्त अली नारू, हाय 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 हाय, जब से यहाँ पर आए हैं ठंड के मारे बुरा हाल है, वाह वाह, नारू पे पानी के छेंटे मारे तो इसने कहा कि तो बात ये है कि यहाँ पर फुल एंजॉय हो रहा है। ये देखे राजू क्या कर रहे हैं, कैसे लग रहा है, जैसे देखे रिच को सर्दी लग रही है। फैसलाबाद से आए, जूते तो मारेंगे आप, अभी बर्फ देख रहे, फैसलाबाद में इतनी गर्मी थी, इधर बर्फ के गोले लगा ले आप, पास इतनी बर्फ से अच्छा, ये खान साहबों के बाल है जो अभी राजू खान है, बर्फ नीचे आई हुई है, बट्टू साहब मौजूद है, बट्टू साहब नारान आए हुए हैं और ग्लेशियर देख रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? जिमकाश देखें, ये एक ऐसा नजारा है कि काबिले दीद है, यहाँ पर लोग जो है वो इंतहाई लुत्फ अंदोज हो रहे हैं इस नजारे को देखकर, यहाँ पर जो बर्फ का एक बड़ा ग्लेशियर है, जो सर्दियों में यहाँ पे बर्फ जमा हो जाती है, ग्लेशियर यहाँ पर जमा हो जाते हैं, पानी जम जाता है, अब वो मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ है तो उस मौसम गर्म होने की वजह से ये ग्लेशियर पिघल रहा है, इस ग्लेशियर की जो पिघलने का नजारा है ये काबिले दीद है। यही नहीं, ये जो नारान का इलाका है यहाँ पर सिर्फ यही जो नजारा है काबिले दीद नहीं है, बल्कि यहाँ बिल्कुल सामने इसके जो दरियाए कुनहार है जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं जो हमारे बन रहे हैं, हमारी हुकूमत बना रही है, यहाँ पर डैम भी बन रहे हैं जहाँ से वो सैकड़ों जो मेगावाट बिजली यहाँ से पैदा होगी, इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक वसी और अरीज जो पहाड़ी सिलसिला है, इस ये पहाड़ियाँ जो है ये सरसब्ज शादाब पहाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ अकसाम के दरख्त हैं जिनमें कीमती लकड़ी के दरख्त हैं जैसे चीड़ के, दीर के या दीगर दरख्त पाए जाते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर फलदार दरख्त भी है। मैं आपको ये बात बताऊं कि यहाँ पर उम्दा किस्म का अखरोट यहाँ पर पैदा होता है और वो अभी हमने उससे भी हम लुत्फानंदोज हुए हैं, वो भी हमने खाया है, वो भी खाने के काबिल है, यहाँ की वो सौगात है, जो भी सयाह यहाँ पर आए वो इस हसीन नज़ारों से तो लुत्फानंदोज उन्होंने होना ही होना है, लेकिन साथ वो जो यहाँ का फल है अखरोट मकामी फल है उससे भी लुत्फानंदोज हो। यहाँ पर एक वसी किस्म का पहाड़ी सिलसिला है, ये पहाड़ जो है ये सरसब्ज शादाब पहाड़ है, यहाँ पर जो सैकड़ों फुट लंबे दरख्त हैं इसके ऊपर, इस पहाड़ी सिलसिले के ऊपर पाए जाते हैं,
जबकि इस पहाड़ी सिलसिले की ऊंचाई भी जो सैकड़ों फुट है यहाँ पर ऊपर, अभी भी जो हमारे पीछे अगर आप दिखा सकें तो जो हमारे पीछे वाला पहाड़ है वो जो नजर आ रहा है उसके ऊपर भी जो बर्फ आपको नजर आ रही है अभी भी बर्फ उसके ऊपर है, टॉप के ऊपर उसके बर्फ पड़ी हुई है जो पिघल रही है आस्ता आस्ता, और उसके पिघलने का नजारा भी आप देख रहे हैं कि वो सफेद जो पानी है वो वहां से नजर आ रहा है स्याहों की बड़ी तरह। अच्छा एक बात और, यहाँ पर स्याहों की जो बड़ी तादाद है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से नहीं बल्कि बैरून ममालिक से भी यहाँ पर स्याहों की एक बड़ी तादाद आई हुई है जो इस हसीन नज़ारों को देख रही है। और उनका यही कहना है कि फैसलाबाद, उनका यही कहना है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाता है, ये भी इनका जो इनके जो कुदरती हसीन नज़ारे हैं वो दीगर ममालिक से कम नहीं है। आलमी म्यार की यहाँ पे सियाहत जो है वो डेवलप हो सकती है अगर हुकूमत थोड़ी सी इसकी तरफ तवज्जो दे तो। बहुत शुक्रिया। हाँ, हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो यहाँ भरपूर जो सयाह आके खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे और भी बात करते हैं दोस्तों से।